दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन से प्लान के, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे, जहां पर कार पार्किंग है, फ्रंट की एलिवेशन में आपको एक बेहतरीन सा पोर्च मिलता है, साथ साथ बारंदा, बाइक पार्किंग और एक छोटा सा गार्डन भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको 3 बेडरूम भी मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पर जो साइज़ है 25x35 फीट में मात्र ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है, खूबसूरत सा डिज़ाइन है। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो उससे बोल रहे थे कि मुझे 25x35 का एक प्लान दीजिए विद कार पार्किंग और पोर्च डिज़ाइन के साथ। तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को मैंने डिज़ाइन किया है, बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है और इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा प्रॉपर तरीके से, इसका फ्रंट एलिवेशन क्या है वगैरह। तो सबसे पहले जूम करके दिखाता हूँ। तो जूम करके आप देखिए कि जिसका जो पोर्च का डिज़ाइन है, पोर्च का जो रूप है, छत है, वो आपको यहाँ पर कर्व्ड शेप में मिलता है। और साथ साथ ये पोर्च में यहाँ पर 3 पिलर मैंने दिए हैं, उसके नीचे आप कार पार्किंग कर पाएंगे। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं इधर से आप कार पार्किंग कर पाएंगे, इधर से बाइक पार्किंग करेंगे। बाइक के लिए आपको यहाँ पर पहले ले जाना होगा, साइड में फिर आप खड़ी कर सकते हैं। फ्रंट में एक विंडो है, एक ग्रिल है वगैरह। आप देख रहे हैं टॉप व्यू, आप देखें तो आप बहुत ही नॉर्मल सा मैंने यहाँ पर चीज़ें क्रिएट कर रखी हैं। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। उससे पहले अगर आपने अभी तक दोस्तों इस माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। इस माल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको नए नए वीडियो, लेटेस्ट वीडियो मिलते रहते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए कि जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार इस माल हाउस प्लान पर एक बार विजिट करें, जिससे आपको एक बेहतरीन सा घर का डिज़ाइन मिल सके। और उस बेहतरीन से घर के डिज़ाइन में आप घर की जो भी चीज़ें होती हैं उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें। तो आज का जो प्लान है 25x35 फीट का, उसे मैं दिखाता हूँ और सबसे पहले इसे ग्राउंड फ्लोर पर ले चलता हूँ। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये देखिए प्रॉपर तरीके ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर जो पोर्च डिज़ाइन है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है, लेकिन इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसके बाद ये देखिए कि दो आपको पिलर 3 मिलते हैं, उसी के नीचे कार पार्किंग है। और आप जैसे ऊपर चढ़ेंगे यहाँ से तो ये पूरा देखिए पोर्च का रूप आपको दिखेगा, मैंने हटाया नहीं है इसका, ये पूरा डिज़ाइन है। और यहीं से आपकी पूरी एक्सेस, ये एक विंडो है क्योंकि फ्रंट में एक मैंने गेस्ट रूम क्रिएट किया, तो दोनों तरफ विंडो दिया। ये अगर आप पोर्च से जाते हैं तो ये आपका देखिए डोर है, इससे आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। इसका ये मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्री करें अंदर की तरफ। और यहाँ पर ये और एक आपको बेडरूम मिलता है, इसमें कि विंडो और डोर मैंने बाहर से दिया है। इसका जैसे एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं अपने आंगन में, और इस आंगन से इस तरफ देखिएगा दोनों बेडरूम, एक फ्रंट में एक इस कॉर्नर पर, तो ओवरऑल आपके 3 बेडरूम हो गए। ये आपका बेहतरीन सा किचन, काफ़ी बड़ा सा किचन है। और ये आपकी स्टेयर्स, और स्टेयर्स के पास ही आपका लेटर्न बाथ मैंने क्रिएट किया है। स्टेयर्स के अलावा भी आपकी लेटर्न बाथ में स्पेस ज़्यादा है, आप केवल स्टेयर्स के नीचे ही लेटर बाथ ये नहीं बना, उसके आगे पीछे भी जगह आपकी काफ़ी इंक्लूड हो जाती है। तो 25x35 फीट में 3 बेडरूम, लेटर्न बाथ, किचन, पोर्च, कार पार्किंग और आपको साथ साथ बाइक पार्किंग और बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन मिलता है, जो कि ग्राउंड फ्लोर ही मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। प्रॉपर तरीके से आप देख लें, मैं और आपको जूम करता हूँ, इससे आप और अच्छे से समझ पाएँ। आपका एंट्री पॉइंट यहाँ, यहाँ से आप अपने घर में एंट्री करेंगे। और इस अंदर से भी मैंने डोर दिए हैं सभी रूम में, जो गेस्ट रूम था इसमें भी अंदर से डोर दिया। अगर आप यहाँ अंदर से भी जाना चाहते हैं, ये देखिएगा आप अंदर से भी जा सकते हैं, सभी रूमों को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर का जैसा कि मैंने बता रखा है, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में बेहतरीन सी ग्रिल आपको मैंने बनाकर दी है। और ये स्टेयर्स था, जो लेट बाथ का एरिया था, स्टेयर्स के एरिया था, उस पर पूरी गुमटी बना दी है और उस गुमटी को ढक दिया, इससे बरसात में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इसके और ऊपर बनवाना चाहते हैं 2 खंड या 3 खंड तो आप बनवा लें, गुमटी बाद में बन जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो ये ओवरऑल 25x35 फीट में मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। मैं और मैक्सिमम जूम करता हूँ, इससे आपको इसका देखिए ग्रिल का डिज़ाइन देखने को मिल जाए। ये देखिए प्रॉपर तरीके से आप देख पाएँ इसका पूरा डिज़ाइन, कैसा घर बना हुआ है, इसकी फिनिशिंग क्या है वगैरह। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक से ज़रूर करें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक